सरगुजा की उन्नत खेती हम कैसे करें। इसकी खेती करने के लिए हमें सबसे पहले खेत की दो बार जुताई करनी है, और जब हम एक बार जुताई कर लेते हैं, जब दूसरी बार जुताई करते हैं तो उसमें एल्ड्रिन धूल 5% एल्ड्रिन धूल 25 किलोग्राम के दर से हम मिट्टी में मिलाते हैं, या फिर BSC पाउडर 10% 25 किलोग्राम मिट्टी में हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। और जब हम अंतिम तैयारी करते हैं खेत की, तब उस समय 20 किलोग्राम यूरिया और 100 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट और 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास हम क्यारी में डालते हैं। जैसे हम जब हल चलाते हैं तो उस क्यारी में हम इसको डालते जाएंगे और इसके बाद बीज को डालेंगे। और फिर जब 20 किलो यूरिया हमारा बच गया, ये हम बीज को बोने के बाद जब 25-30 दिन हो जाता है, सरगुजा की खेती बड़ा हो जाता है, तब 25-30 दिन के बाद हम 20 किलोग्राम यूरिया की छिड़काव करते हैं, तो पूरा हमारा 40 किलोग्राम यूरिया हुआ, जिसे हम दो बार में दिए, एक बार खेत की अंतिम तैयारी में और एक बार 25-30 दिन के बाद हम देते हैं, और 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास हम देते हैं। सरगुजा की खेती को अब बढ़ावा दिया जा रहा है और हम लोग जागरूक करना चाहते हैं किसानों को, जैसे कि इस वर्ष इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर भी मनाया जा रहा है और मिलेट्स को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, उसी प्रकार से सरगुजा की खेती बहुत इलाके में लोग छोड़ दिए हैं, लेकिन सरगुजा एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और ये प्रोटीन से भरपूर है, कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है, ये त्वचा के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और इसके तेल से हृदय की, दिल की जो बीमारी है कोलेस्ट्रॉल, उसको भी ये ठीक करता है, और इसकी खेती झारखंड में हमें करनी चाहिए, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसकी खेती झारखंड राज्य में किया जाए, और ये वैसे ज़मीन में की जाएगी जहाँ पर उर्वरा शक्ति बहुत मिट्टी की कम होती है। इसके लिए 5 से 6 किलोग्राम हम बीज की मात्रा लेते हैं, यानी कि अगर एकड़ में बात करें तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज की मात्रा हम लेते हैं, और इसकी दूरी हम किसी भी फसल को जब लगाने की बात करते हैं, कृषि वैज्ञानिक से, वैज्ञानिक तरीके से उन्नत खेती करते हैं, तो हम बात करते हैं कि उसे क्यारी में लाइन से लगाया जाए, तो हम हल के पीछे हम इसकी लगाएंगे और हल के पीछे हम 2 किलो प्रति एकड़ की दर से बीज रखेंगे देंगे, तो ये बीज की मात्रा 2 किलो प्रति एकड़ है, और हल के पीछे हमारा 30 सेंटीमीटर की दूरी होगी, एक क्यारी से दूसरा क्यारी 3 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर, और यदि ज़्यादा पौधे हो जाता है तो 25-30 दिन के बाद बाकी पौधों को निकाल करके फेंक देना चाहिए, ताकि इसकी पैदावार अच्छी हो और बढ़त अच्छी हो, इसमें धूप अच्छा लगे। इसमें सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये ऊसर भूमि में, ऊपरी भूमि में पाई जाती है, और वहाँ पर पानी निकासी ऐसा ज़मीन में होना ही चाहिए जहाँ पर कि पानी निकासी हो जाए, पानी की निकासी अच्छा से निकल जाए। और ऐसे भी हम इसे जब लगाते हैं, इसके लगाने का समय 15 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक अच्छा समय है, ऐसे इसके बाद भी लगता है, सितंबर महीना में भी लगता है, और इसका फसल दिसंबर तक में तैयार हो जाता है।